आखिर क्यों केंद्र ने बदला कानून मंत्री का विभाग? क्या कॉलेजियम पर सरकार और जुडिशरी के बीच तल्खी में आएगी कुछ कमी? आखिर कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है? नमस्कार, मैं विश्वेश तिवारी आज आप सभी के सामने लेकर आया हूं एक प्रमुख खबर। केंद्र सरकार ने तो मंत्रियों के विभाग में एक बड़ा बदलाव किया और किरण रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बना दिया। साथ ही किरण रिजिजू के डिप्टी को भी कानून मंत्रालय से हटा दिया गया है। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सरकार और जुडिशरी के बीच तल्खी बनी हुई है और इसी दौरान रिजिजू का विभाग बदल गया है। कानून मंत्री के तौर पर रिजिजू ने अपने कार्यकाल में कॉलेजियम सिस्टम पर काफी सवाल खड़े किए थे। अब कानून मंत्रालय उनसे लेकर मेघवाल को दे दिया गया है, तो क्या कॉलेजियम पर सरकार और जुडिशरी के बीच चल रही तल्खी में कुछ कमी आएगी? चलिए इस पूरे मामले को हम विस्तार से समझते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले हमारा यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है। चलिए आपको सबसे पहले वो दिखाते हैं। कॉलेजियम सिस्टम से पहले जो नियुक्ति की प्रक्रिया थी उसके तहत लॉ मिनिस्ट्री नामों को रेफर करती थी और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI उस बारे में अपना विचार देते थे और उसके बाद मामले को राष्ट्रपति के पास रेफर कर दिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में 9 जजों की बेंच ने आदेश पारित किया और कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत की। इसके बाद हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट कॉलेजियम द्वारा नाम भेजा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर जस्टिस होते हैं। उन नामों पर विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम नाम तय करती है और फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ऐसे में बतौर कानून मंत्री रिजिजू ने इस कॉलेजियम पर कई सवाल उठाए थे। बीच कानून मंत्री के तौर पर किरण रिजिजू ने लगातार कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एडवोकेट सौरभ कृपाल को उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में उनके ओपन बोलने यानी कि मुखर होकर बोलने के आधार पर केंद्र द्वारा हाई कोर्ट के जस्टिस के तौर पर उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को वापस करने पर असहमति जताई थी। इस पर तात्कालीन कानून मंत्री रिजिजू ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा जजों की नियुक्ति के लिए नाम दोबारा भेजे जाने के दौरान रॉ और IB की रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने पर चिंता जाहिर की थी और कहा था यह एक गंभीर विषय। ऐसे में कानून मंत्री ने हाल ही में चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा था और कहा था कि कॉलेजियम में एक सरकार द्वारा नॉमिनेट सदस्य होना चाहिए। बाद में उन्होंने कहा था कि सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कॉलेजियम में केंद्र और राज्य के प्रतिनिधियों को रखने के लिए चीफ जस्टिस को जो लेटर लिखा गया वह शीर्ष अदालत के सुझाव के मुताबिक है। रिजिजू ने कहा था कि NJAC यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को खारिज करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिए थे उसी के अनुसार उनकी कार्रवाई है। वहीं किरण रिजिजू ने यह बयान भी दिया कि कॉलेजियम सिस्टम खुद सुप्रीम कोर्ट लाया है और सिस्टम संविधान के बाहर से लाया गया है। कानून मंत्री ने कहा था कि यह जनमत की अपेक्षा भी नहीं है। बहरहाल इसके बाद लगातार इस मामले में सरकार और जुडिशरी के बीच तल्खी बनी हुई है, जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी जाहिर है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से जजों की नियुक्ति के लिए की गई नामों की सिफारिश को केंद्र सरकार के क्लियर कर देने में देरी और उस सिफारिश पर केंद्र के बैठ जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई थी और नवंबर 2022 में सुनवाई के दौरान कहा था कि यह एक तरह से नियुक्ति की प्रक्रिया को व्यर्थ करने जैसा है और यह नियुक्ति को प्रभावी तौर पर विफल कर देता है। ऐसा लगता है कि सरकार जजों की नियुक्ति के लिए बनाए गए NJAC को मंजूरी नहीं मिलने से नाराज है, मगर यह कानून के शासन के तहत मौजूदा कानून कॉलेजियम को न मानने का कारण बिल्कुल नहीं हो सकता। जस्टिस SK कॉल की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि ऐसा लगता है कि सरकार इस बात को लेकर नाखुश है कि NJAC पास नहीं हुआ, लेकिन यह कारण नहीं हो सकता है कि जो कानून प्रभाव में है उस पर अमल न किया जाए। ऐसे में रिटायर्ड जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने कहा था कि बिना स्वतंत्र न्यायपालिका और निर्भीक जज के बिना भारत अंधकारमय युग में प्रवेश कर जाएगा। कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नाम को दबाए रखना लोकतंत्र के खिलाफ है। हाल ही में जिस तरह से कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सरकार की ओर से रिजिजू ने ऐतराज जताया है वह तो जग जाहिर।
सरकार के रवैये पर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट नाराजगी जाहिर कर चुका है। कई बार सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने कानून व्यवस्था से लेकर संवैधानिक स्थिति पर सरकार को आड़े हाथ लिया है। मणिपुर का मामला ही ले लीजिए, मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांग रखा है। ऐसे में कॉलेजियम सिस्टम पर विवाद अभी भी जारी है। कानून मंत्री के तौर पर रिजिजू कई बार मनसा जाहिर कर चुके थे कि कॉलेजियम सिस्टम संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। इसी बीच रिजिजू का विभाग केंद्र सरकार ने बदल दिया है, तो यह सवाल अहम है कि क्या विवाद को केंद्र सरकार विराम देना चाहती है। अब इसका जवाब तो आने वाले दिन में ही पता चल पाएगा। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।